आपको जानकर खुशी होगी कि सन 2024 में इससे फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज समर खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसके ब्लॉग की एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे, आज एक ऐसी जगह आपको लेकर आया हूं जहां पर आप अपना घर ले सकते हैं, सपनों का घर, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लॉट में, जमीन में। तो आप ये वीडियो पूरी देखें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और आप जैसे गाड़ी वगैरह लेते हैं, मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो बाइक, बुलेट, कार्स की भी दी है, तो वो गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका 1 से 2 साल में डेप्रिसिएशन लग जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जमीन और प्लॉट एक ऐसी चीज है आज के टाइम पे, अगर आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 से 2 साल में ये आपको मुनाफा ही देगी, कभी भी लॉस नहीं देती। तो मिलवाता हूं यहां पर जो एजीएम है इस कंपनी के, वो सारी डिटेल देंगे प्रॉपर्टी के बारे में और कितने पैसों से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पे। तो बुलाते हैं, तो ये कंपनी के एजीएम है सर, क्या हाल चाल? हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामिल है सर। मोहम्मद कामिल सर, मैं इस कंपनी में एजीएम हूँ। एजीएम जी, और इस कंपनी का नाम क्या है, और ये जो अभी हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रॉपर लोकेशन क्या पड़ेगी यहाँ की आपकी? हाँ सर, समर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस कंपनी के प्रोजेक्ट पे हम खड़े हैं, INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कंपनी सर 9 मार्च 2015 से सक्सेसफुली चल रही है। जी हाँ, लगभग 6 साल हो गए हैं इस कंपनी को काम करते हुए। जी, जिस प्रोजेक्ट पे आप खड़े हुए हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा ड्रीम होम्स हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है हमने शुरू किया है लगभग 14 जुलाई को, लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए, और इससे पहले भी हमने लगभग 20 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में दे देंगे। जो अभी हम 2015 ये कंपनी बनी है, तो रजिस्टर्ड है अपनी पूरी? हमारी कंपनी सर 2015 में रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा पैन कार्ड और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल, उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, 9 मई 2015 जब कंपनी शुरू हुई तो कंपनी ने अपना पहला जो ऑफिस लिया है वो KLJ टावर नेताजी सुभाष प्लेस में लिया है। सुभाष प्लेस, हाँ, ये हमारा हेड ऑफिस है। उसके अलावा हमारे 7 ब्रांच ऑफिस हैं। 7 ब्रांच दिल्ली में सर, 7 ब्रांच ऑफिस। बिल्कुल, तो 7 ब्रांच का मतलब है कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा ब्रांच कहाँ कहाँ पे। अगर आप दिल्ली का दिल कहे तो कनॉट प्लेस हमारी ब्रांच है। ठीक है, झंडे वाला में हमारी ब्रांच है, डाबरी मोड़ पे हमारी ब्रांच है। इसके अलावा गुड़गांव जो हमारा विपुल अग्रा मॉल है उसमें हमारी ब्रांच है। okay. शाहीन बाग अटल बिहार रोड वहाँ हमारी ब्रांच है। okay. वजीराबाद हमारी ब्रांच है। और हजरत नियामुद्दीन ये हमारी ब्रांच है। ये हमारा 21वां प्रोजेक्ट है, कमिंग सून में लेके भिवाड़ी में लेके आ रहे हैं। okay. हमारा प्रोजेक्ट जो है, हम लैंड के साथ फ्लैट में भी आ गए हैं सर। ये जो प्रोजेक्ट है ये INS का ड्रीम होम्स है। इसकी लोकेशन बताना चाहूंगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा जानकर सर, कि सर दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पे एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। और ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में, ये जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये एयरपोर्ट वर्ल्ड का 4th नंबर का एयरपोर्ट सर जी, और एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चाइना के पास है, हम उससे बड़ा बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये साइड में आप इमेज देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट का नक्शा अभी बना है, काम अभी चालू होगा। बताना चाहूंगा यहाँ पे और कौन कौन चीज आनी है व्यूअर्स को, ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें। यहाँ पे जो चीज आने वाली है, एयरपोर्ट तो आ ही रहा है जी, एयरपोर्ट तो आ रहा है, और खास बात यह है ये एयरपोर्ट पे काम शुरू हो चुका है, और इसमें इसके लिए जो फंड रखा गया है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए फंड रखा गया है जिससे ये एयरपोर्ट बनेगा। तमाम डिपार्टमेंट ने इसकी क्लियरेंस दे दी है जी। ये जो एयरपोर्ट है सर, आपको जानकर खुशी होगी कि सन 2024 में इससे फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। एयरपोर्ट अकेले नहीं आ रहा सर, एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे आ रहा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब पूरा यहाँ पे आ रहा है। अभी एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है वो आपका नागपुर के अंदर है। ऑल ओवर इंडिया में एक ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब है जो नागपुर के अंदर, जो फ्लाइट जाती है वो नागपुर जाती है, वहीं रिपेयर कराती हैं, लेकिन हमेशा वहाँ आना पॉसिबल नहीं होता। तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो बाहर जाती हैं और वो बाहर ही अपने आप को रिपेयर कराती हैं फ्लाइट्स को। इससे क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं, जो आपका एविएशन कंपनी, उनको बहुत बड़ा खर्चा उस फ्लाइट का उठाना पड़ता है खर्चे के रूप में। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा। जब इंडिया में हमारा ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये खर्चा नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे एक फिल्म सिटी आ रही है जो बॉम्बे से भी 4 गुना बड़ी फिल्म सिटी आ रही है। बिल्कुल, 5,000 हेक्टेयर के अंदर, 5,000 हेक्टेयर के अंदर से ये फिल्म सिटी आ रही है जिसपे काम शुरू होने वाला है। सारा लेआउट प्लान शुरू हो चुका है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली से लेके और बनारस तक हमने सुना ही है, अब ये सपना होने वाला है, बुलेट ट्रेन की शुरुआत होती जापान के अंदर, राइट? अब जो है बुलेट ट्रेन इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगी। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली से शुरू होगी और बनारस तक जाएगी दोस्त। ठीक है, और तो बनारस तक इसका पहला स्टॉपेज जो है यही जेवर पे होगा, जो कि 13 मिनट में पहुंचेगी, 33 मिनट में पहुंचेगी आगरा, लगभग 2.5 घंटे में पहुंचेगी लखनऊ, और लगभग 2.75 घंटे में पहुंचेगी ये आपका
बनारस क्योंकि क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि जिसकी स्पीड है दोस्त वो 320 किलोमीटर पर घंटा है जी। तो एयरपोर्ट है, मेट्रो दो मेट्रो यहाँ पे आ रही हैं, एलिवेटेड रोड यहाँ पे आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का पूरा हब आ रहा है। उसके साथ आपको मैं बताऊँ तो ये अगर मैं कोरोना काल की बात करूँ तो एक तरफ लोगों का पैसा रखा था और एक तरफ लोगों को मेडिकल की सुविधाएँ चाहिए थी। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई सुपर स्पेशली हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर बनाने का पूरा यहाँ पे प्रोग्राम है। उसके अलावा टॉय क्लस्टर यहाँ बन रहा है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो लगभग 700 एकड़ के अंदर ट्रांसपोर्ट हब यहाँ बन रहा है। उसके अलावा बहुत लगभग 69 वेंटिलेशन कंपनियाँ अपने यहाँ प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे इसी जहाँ हम खड़े हैं जेवर टप्पल का इलाका, यहाँ पे 800 एकड़ के अंदर जो है वो सिटी सेंटर बन रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको अगर बताना शुरू करूँ तो आधा घंटा मुझे बताने में लग जाएगा जी जी। तो आप समझदार हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ तो इन्होंने इसलिए बताई क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं आज से 2 से 3 साल बाद ये एकदम डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। आपको यहाँ यमुना एक्सप्रेस मिल गया, अगर आप देखें मैं आपके कैमरा मैन से कहूँगा जरा दिखाएं, उस सामने यमुना एक्सप्रेस आपको जाता दिखेगा, हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 से 1.5 किलोमीटर अभी हमें घूम के आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कट नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आबादी होगी आपको कट अवेलेबल हो जाएगा, आप सीधे यमुना एक्सप्रेस पे यहाँ से चढ़ सकते हैं। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा मेट्रो रेल है जो पहले बड़े शहरों में मिलती थी, आज मेट्रो छोटे बड़े सभी शहरों में जा रही है। पहले ये इम्पोर्ट होती थी जापान से जब दिल्ली मेट्रो स्टार्ट हुई थी, अब जो है इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब नोएडा सेक्टर 24 के अंदर, मतलब जो हमारा यहाँ साइड बनी है येडा की साइड में, यहाँ पे जो सेक्टर कट रहे हैं 35, उसके अंदर मेट्रो के उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी लगने वाली है। तो खाली यही नहीं है, बहुत नंबर ऑफ कंपनियां, नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे आने वाली है। यही वजह है कि ये जो साइड है या ये जो जगह है ये बिल्कुल हॉट सेलिंग केक की तरह बिक रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखें ये सारे कस्टमर्स हैं जो दिल्ली NCR से यहाँ पे जगह लेने आए हैं। हमने शुरू किया था यहाँ पे लगभग आज से 14 जुलाई को, और 14 जुलाई से अब तक अगर मैं 2 महीने की बात करूँ, स्टार्टअप था हमारा 6500 जी, 6500 आपने स्टार्ट किया था। आज जिस रोड पे आप खड़े हो ये 25 फुट का रोड है, ये 40 फुट का रोड है, यहाँ पे हमारे रेट 8500 हो गया। 8500 जी, मात्र 2 महीने में। अब अंदाजा लगाइए किसी व्यक्ति ने अगर 200 गज का प्लॉट लिया, ठीक है, और उसने 200 गज का प्लॉट लेके होल्ड किया सिर्फ 2 महीने, तो उसके जो है 4 लाख रुपए बढ़ गए सर। बढ़ गए कितने? 4 लाख। आप सोच के देखिए इतना बड़ा एप्रिसिएशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्लॉट्स मिल रहे हैं तकरीबन कितने गज से स्टार्ट हैं और कितना प्राइस। मैं बताना चाहूंगा सर, ये हमारे जो प्लॉट साइड स्टार्ट होती है, हम 50 गज, 100 गज, 200 गज, 250 गज, 500 गज, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट पे आपको प्लॉट अवेलेबल करा देते हैं। सबसे अच्छी बात जो हमारी कंपनी की है, जो आखिर इतनी भीड़ आपको यहाँ देखने को क्यों मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है सर हमारा पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है सर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 40% पेमेंट कर देता है हमारे यहाँ, कितना? 40%। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 8000 का रेट हमारा बेस मानते हैं, अभी जो हमारा रेट है 7900 से लेकर 8500 तक है, हम मानते हैं ऑन ऑन एवरेज 8000 का रेट। 8000 के रेट से अगर कोई व्यक्ति 100 गज का प्लॉट लेता है दोस्त, तो वो 8 लाख रुपए का होता है। 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए का अगर आप 40% का देते हो, कितना हो गया? 8 × 24, 3 लाख 40 हज़ार। तो अगर आप 3 लाख 40 हज़ार रुपये देते हो तो आपको यहाँ पे हम तुरंत रजिस्ट्री करवा देते हैं सर। 40% देते ही रजिस्ट्री सर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप 40% पैसा आपने कंपनी को दिया, कंपनी कहती है सर आप रजिस्ट्री कराइए। कि जो 60% अमाउंट है वो आप इजी EMI में 12 महीने से लेके 30 महीने तक आप इजी EMI पे, इस पे इंटरेस्ट वगैरह भी है सर। हाँ बताना चाहूँगा, ये INS के अंदर सर इंटरेस्ट किसी चीज़ पे नहीं है, ना हमारा कोई फाइल चार्ज है, बिल्कुल ना हमारा कोई इंटरेस्ट है, ना ही हमारा कोई, अगर कोई किस्त टूटती भी है आपकी किसी वजह से किसी क्लाइंट की, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। यही वजह है कि जो क्लाइंट हमसे एक बार प्लॉट लेके जाता है दोस्त, वो अपने साथ 10 लोगों को लेके आता है। अगर प्लॉट लेना है तो INS में आइए, और यहाँ से आपको प्लॉट भी मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको रजिस्ट्री मिलेगी, आपको म्यूटेशन मिलेगी, और आपको यहाँ पे पूरा सिस्टम मिलेगा जिससे कि उस व्यक्ति की जो ग्रोथ प्रॉपर्टी की है वो बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 40% देके अगर बनवाना चाहे तो बनवा, बिल्कुल सर आप 40% दीजिए, रजिस्ट्री कराइए। और खास बात सुनिए सर, रजिस्ट्री कराने के बाद हम रजिस्ट्री अपने पास नहीं रखेंगे, हम ओरिजिनल आपको दे देंगे। ओरिजिनल जी, हम रजिस्ट्री ओरिजिनल आपको दे देंगे, फोटो कॉपी हमारे पास रहेगी। जिस दिन आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी तो दाखिल खारिज जो है वो हम आपको तब प्रोवाइड कराएंगे, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। बिल्कुल, वो 100% देने पर रह जाएगा। जी हाँ जी, ठीक है। तो अगर कोई चैनल देख कर आता है तो इसमें क्या कोई और फैसिलिटीज वगैरह है? हाँ बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति आता है और कोई व्यक्ति हमारा
हमारे वैसे तो हमारा सबके लिए एक ही यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, हम किसी के साथ इतने भेदभाव वाली कोई पॉलिसी हमारी नहीं है। हमारे लिए आज जो व्यक्ति है वो भी हमारे लिए उतना सम्मान्य है और जो आपका चैनल देख के आए वो भी बहुत सम्मान्य है। हम ऐसा कर सकते हैं, आपके व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आके हमारी कंपनी में अगर वन शॉट में पेमेंट करता है, देखिए इंस्टॉलमेंट तो कोई पेमेंट कर देगा, कोई व्यक्ति आता बोला सर ये बताइए समीर जी मैं आपके माध्यम से यहाँ आया और मान लीजिए मैं 8 लाख रुपए इकट्ठी पेमेंट करता हूँ, इकट्ठी पेमेंट ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, होता है ना सर के मतलब मुझे एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, राइट। तो उसके लिए कंपनी ने कहा है कि अगर आप इकट्ठी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हम आपके लिए एक काम कर देते हैं कि इस पे जो हम आपकी रजिस्ट्री होगी, पेमेंट करने की रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री में मान लीजिए जो भी खर्चा आता है लगभग 70,000 रुपए के आसपास आता है, वो 70,000 रुपए हम आपके लिए फ्री कर देते हैं, फ्री 100 गज लेने, 100 गज 50 गज लो, 100 गज लो, रजिस्ट्री जो भी एक शॉर्ट पेमेंट करेंगे उसके अंदर आपको फ्री प्रोवाइड होगा। ये जो साइट है हमारी दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर साइट है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी ने एक सुविधा दे रखी है कि जो भी व्यक्ति आपके माध्यम से और वैसे भी आना चाहे, देखिए मैं आपके माध्यम से व्यूअर से कहना चाहूंगा कि आप लोग सर सबसे पहले आप ऑफिस आए, ठीक है, हमारे ऑफिस जो 7 ऑफिस है ब्रांच, वहां पे आके लीगलिटी चेक करें जी कि कंपनी ने जो आपको बताया है क्या कंपनी का रजिस्ट्री है, कंपनी के पास नोटेशन है, नक्शा है, ठीक है, 143 है, अगर है सब चीजें तो फिर आप जो है यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे बात करके एक टाइम निश्चित करें, ठीक है, और अपना अपॉइंटमेंट लें। हम आपके घर सर हम आपके घर गाड़ी भेजेंगे जी, राइट, हमारी गाड़ी जाएगी आपको लेने के लिए, आपको घर से पिकअप करेगी, साइट पे लाएगी, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको सब दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, पेपर ये वो सारी चीज़ बताएंगे, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे टोकन मनी करके अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं और उसके बाद आपको उसी इज्जत से वो गाड़ी आपको घर तक छोड़ के आएगी। ये पूरी प्रक्रिया एब्सोल्युटली फ्री है सर, फ्री, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दिल्ली से 80 किलोमीटर गाड़ी लेकर आएगी और लेकर भी जाएगी। आप अच्छे देखो, आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे, मन भरे, साइड अच्छी लगे, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड देखिए, कागज देखिए, सबको अच्छा लगे तो आप बुक कीजिए, नहीं अच्छा लगता सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में। काफी सारे व्यूवर्स इंडिया के बाहर से भी देखते हैं लेकिन वो हैं इंडिया के, जैसे जॉब करते हैं सऊदी, कुवैत, दुबई में, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये चीज है कि वो ले सकते हैं? मैं बताता हूँ सर, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो इंडिया दिल्ली से बाहर है और इंडिया से बाहर है। मैं आपको बहुत सारे लोग दिखाऊंगा, हमारे पास लोग सर दिल्ली से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इलाहाबाद से, कानपुर से, बिहार से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, नंबर ऑफ पर्सन है। आप जहाँ पे हो यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है और इसके बनने से जो खुशहाली यहाँ पे आने वाली है, जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आने वाले हैं, जो यहाँ पे रेंटेड इनकम यहाँ पे आने वाली है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये सर? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ और तहसील हमारी खैर लगती है, ठीक है, और बिल्कुल ये जेवर टप्पल रोड पे हमारी साइट लोकेटेड है, ठीक है, इजीली आप पहुंच सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत आती है तो गाड़ी आपको। हाँ, और अदर इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी आप अदर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, ठीक है, आप स्क्रीन पे लिखे नंबरों पर हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो आपको सर साइट भी दिखाएंगे, ऑफिस भी दिखाएंगे, सारी चीज़ कराएंगे। अगर आपका मन करता है, आपको लगता है कि यहाँ पे पैसे लगा के आपके पैसे बढ़ सकते हैं, तो सर वेलकम है आपका, वेलकम है सर। एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, ये यहाँ के जो नॉर्मल भी डीलर्स बिल्डर्स होंगे उनके क्या रेट चलते हैं? और एग्जैक्टली बताना चाहूँगा सर, ये जो हमारी साइट है ये हमने 8 बीघे से स्टार्ट की थी, आज हमारी 500 बीघे की साइट है, 500 बीघा 8 बीघे से स्टार्ट किया सर, कब? 2 महीने पहले इसे हमने एक्सटेंड कर करके 500 बीघे ले आए, ठीक है, 500 बीघे की साइट है और इसे बेचने हमें 2 महीने ज्यादा नहीं लगे, बहुत कम प्लॉट हमारे पास इस टाइम बचे हुए हैं, इन्वेंट्री बहुत कम बची हुई है। बताना चाहूंगा जो हमारे आसपास आप जब हमारी साइट पे आएंगे तो उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, कुछ वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं है जो यहाँ पे क्या नाम कॉलोनी काट रहे हैं, राइट, जो सोसाइटी काट रहे हैं, हमसे पहले भी और लोग हैं, आप उनके पास रुकिए, पूछिए कि क्या रेट है सर, 14,000, 15,000, 16,000 के रेट है गज, जी हाँ पर गज, और हम आपको यहाँ क्या दे रहे हैं 7,900 से 8,500। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये बताइए, वो आपको स्विमिंग पूल प्रोवाइड कर रहे हैं जी, वो आपको क्लब की मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं जी, सर मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ मुझे स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं है, राइट, और दूसरे ना मुझे सर ताश खेलने शाम को जाके, राइट, तो मुझे इन दोनों चीज़ों की जरूरत नहीं है, जितने पैसों में वहाँ 100 गज मिलेगी उतने पैसे में यहाँ 200 गज आ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, जब रेट अप्रिशिएट होते हैं ना तो एक इलाके का पूरा एक रेट आया था कि भाई फना इलाका जो है उसका कम से कम भाव ये चल रहा है, भाव एक साथ बढ़ेगा लेकिन आपकी जो बाइंग पावर है वो यहाँ बहुत कम हो जाती है, वहाँ बहुत बढ़ जाती है, यानी कि आपको वहाँ खरीदने में आज जमीन मिलेगी, यहाँ उससे डबल जमीन मिलेगी, बिल्कुल ये फायदा है। यहाँ पर अभी कोई अगर लेके बनवाना शुरू करता 40% देके तो आप फैसिलिटीज वगैरह दे रहे हैं? नाले बिल्कुल दे रहे हैं सर, ये आप देख रहे हैं, ये रोड जो है 25 फुट का है, हमारा 40 फुट का रोड है, ये रोड बनने शुरू हो गए हैं सर,
बिजली के खंभे लगने शुरू हो गए हैं ठीक है। हम यहाँ पे नाली एक साल में पूरी पक्की सड़क काली डामर डाल के आपको देंगे, यहाँ पे नाली मिलेगी, सड़कें मिलेंगी ठीक है, बिजली मिलेगी आपको पूरी तरीके से और सीवर मिलेगी, खंभे वगैरह तो ये लगे हुए हैं, ये सब हम आपको एक साल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। देखिए तो पूरा डामर वगैरह बढ़ जाएगा, लाइट तारे वगैरह खंभे तो डली गए, सीवर पानी की फैसिलिटी सारी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी बिल्कुल। तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, सर से बात कर सकते हैं, लिखे हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है। वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं आपको पूरी हेल्प करेंगे, साइट दिखाने बताने में पूरे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके तो दोस्तों पूरी जानकारी दी सर ने हमें, और जो रेंट पर रहते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें पता है इस ज़मीन की वैल्यू क्या है, और 40% दो रजिस्ट्री कराओ और अपना EMI तक 30 महीने तक देते रहो। तो भाई विजिट ज़रूर करो एक बार, जो भी दिल्ली से बाहर देख रहा है कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आओ, पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस भी करवा दी है भाई। तो चलते हैं फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।